मिजोरम में कांग्रेस पार्टी को आज उस समय करारा झटका लगा जब मिजोरम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष तथा गृह मंत्री आर लाडजिलियाना ने मुख्यमंत्री लालथन हावला को अपना इस्तीफा सौंप दिया। एमपीसीसी के अनुशासन समिति की ओर से लाडजिलियाना को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बाद उन्होंने इस्तीफा देने का निर्णय लिया। दरअसल एमपीसीसी ने उनकी इस टिप्पणी पर कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियां उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव के लिए ऑफर दे रही है स्पष्टीकरण मांगते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया था। मिजो नेशनल फ्रंट की तरफ से लालजिलियाना का नामांकन करने के बाद अनुशासन समिति ने कांग्रेस भवन में उनसे सार्वजनिक रूप से पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करने को कहा था, लेकिन लालजिलियाना के मुताबिक वादे के अनुसार कांग्रेस सेचुअल को पूर्ण जिले में तब्दील नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। kani chuan tir po hian an soi to a MLA te chuan BL te mipui BL mipui na an mamo ber le an du ber chu ka du pui lo thei lo wa tin sai tual consequency sai tual ki zoram lai li taka om ve ani ka ria a tin Aizawl district hi alolia na consequency som le pali lai ani a। मेघालय में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, जहां 40 साल तक पार्टी की सेवा करने वाले अनुभवी नेता डीडी लपांग ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री लपांग ने आरोप लगाया है कि गांधी उन वरिष्ठ नेताओं को पार्टी की गतिविधियों से दूर कर रहे हैं जिनकी सेवा अब पार्टी के लिए कोई मायने नहीं रखती। ऐसे में मेघालय के कांग्रेस नेताओं ने तय किया है कि आगामी सोमवार को दिल्ली से लौटने के बाद लपांग से मिलकर उन्हें अपने निर्णय पर पुनः विचार करने का आग्रह करेंगे। लपांग को अनौपचारिक ढंग से विधानसभा चुनाव से पूर्व एमपीसीसी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। एआईसीसी के अध्यक्ष राहुल गांधी को लिखे पत्र में लपांग ने कहा है कि वे भारी मन से पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि लपांग ने इस पत्र में स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने अपने घुटने नहीं टेके हैं, क्योंकि उनके पास अभी भी लोगों के लिए काम करने की भावना और जज्बा है। He sent a letter to the ICC. A letter was sent a copy to us. Then we from the party, he don't relate anything. He said I have submit my resignation letter only. Dr. Didi Lapang has resigned from the party. In fact, this news came very late at night and we were trying to verify the veracity of the news, and apparently, I think it is true. So, as a spokesman of the party, I would like to say that it is indeed a shock to us, and also a big loss. त्रिपुरा की वामपंथी पार्टी ने चुनाव आयोग से 3 चरणों में आयोजित होने जा रहे पंचायत उपचुनाव के लिए सभी प्रक्रियाएं पुनः शुरू करने की मांग की है। उनका कहना है कि बीजेपी की चुनाव केंद्रित हिंसा की वजह से अधिकांश विपक्षी पार्टियां नामांकन दाखिल नहीं कर पाई। वामपंथी नेताओं ने अपनी इसी मांग के तहत आज चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। बाद में इन नेताओं ने सीपीआईएम के प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। 3,200 से अधिक सीटों के लिए 30 सितंबर को 3 चरणों में उपचुनाव कराए जाएंगे। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद कांग्रेस और वामपंथी पंचायत सदस्यों को इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया और मौजूदा इन्हीं रिक्त सीटों पर उपचुनाव कराए जाएंगे। We on behalf of reform committee, the reform committee met the state election commissioner in view of the fact that out of 35 blocks in 28 blocks no non-BJP opposition candidates filed their nomination papers and there are widespread violence instigated by ruling party BJP state administration they were kept completely silent about the things। उत्तर सिक्किम जिले में बीते रविवार से हो रही मूसलाधार बरसात ने भारी क्षति पहुंचाई है। मंगन, लाचेन, मंगशिला समेत विभिन्न इलाकों में भारी भूस्खलन हुआ है।
अम्बिथांग में हुए भूस्खलन की वजह से मंगन के जिला मुख्यालय का संपर्क गंगटोक से टूट गया है। मंगन और चुंगथांग के बीच सड़क पर बना पुल ढह गया है। हाल में तुंग के समीप लॉन्च किया गया बेली पुल भी टूट गया है। बारिश और भूस्खलन ने जिले के 50 घरों को नुकसान पहुंचाया है। आज जिला प्रशासन के अधिकारियों ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। मणिपुर का चिरम समुआई सिंह नामक प्रसिद्ध धनुषबाण निर्माता किसी समय एक मशहूर तीरंदाज हुआ करता था। उसकी इच्छा थी कि वह दुनिया का नंबर वन तीरंदाज बने, लेकिन शारीरिक अक्षमता की वजह से उसका यह सपना पूरा नहीं हो सका। साल 2002 में ही चिरम समुआई ने तीरंदाजी के क्षेत्र में खेल जगत में अपना करियर शुरू किया था और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में कई मेडल हासिल किए थे, लेकिन शारीरिक अक्षमता की वजह से उसे अपना करियर बीच में ही छोड़ना पड़ा। अपने गुरु बी चाबुआ शर्मा से उसने बांस और लकड़ी से धनुष बाण बनाना सीखा और आज देश के विभिन्न स्थानों में 1500 से अधिक धनुष बाण बेचता है। यहाँ तक कि अब उसने 5 और लोगों को अपने इस काम में रोजगार दिया है। ये बनाना मैं 2007 से शुरू किया था। पहले तो थोड़ा तो किया था, लेकिन 2007 से पूरा किया था। उसी समय से एक साल दो साल तो मैं अकेले किया था। अभी उसके बाद थोड़ा ज़्यादा डिमांड आया था, उसके बाद ये 3-4 आदमी रखे ये काम शुरू किया था मैंने। अभी ये एक बिक्री करते समय मतलब ये धनुष और ये स्टेबलाइजर कहते हैं, एक ये होता है ना, ये इसके साथ हम लोग ये 3000 के ऊपर बिक्री करता है बाहर में। अभी यहाँ का खेलने वाला आर्चर्स लोग तो थोड़ा कम में मैं देता था। चिरम समुयाई एक ऐसा व्यक्ति है जो मणिपुर में धनुष और बाण बनाने में सबसे मशहूर, सबसे जाना पहचान वाला एक आदमी, एक ऐसा व्यक्ति है। अभी तक हजारों के ऊपर उसका धनुष और बाण हर जगह यानी हर राज्यों में बिक चुका है। अभी आपको देखा होगा मेरे पीछे में जो भी उसका बनाया हुआ धनुष और बाण यहाँ पर भी है। और अभी इसका बचपन से लेकर उसका तमन्ना और लगन था कि उसको एक आर्चरी का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनना था, मगर एक दुर्घटना के वजह से उसको ये ज़्यादा दिन तक वो खेल नहीं पाया, मगर धनुष और बाण बनाने में उसका काम अभी लग चुका है। कैमरा पर्सन ए बी शोर जी के साथ न्यूज़ 18 अकॉम नॉर्थ ईस्ट के लिए एंडोरिन मेते।